वैश्विक महामारी को लेकर सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर भले ही कार्य को किया जा रहा हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। जनपद मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के ग्राम पंचायत महलकपुर माफी का सीएचसी केंद्र स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी को बयां कर रहा है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो इस केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का इस केंद्र पर मिलना तो बहुत दूर की बात है। अगर देखा जाए तो इस अस्पताल की स्थिति कूड़े के ढेर से कम नहीं है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो जब से ये केंद्र स्थापित किया गया है तब से लेकर आज तक इस सीएससी केंद्र पर कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई। अगर हम मलकपुर माफी ग्राम पंचायत की आबादी की बात करें तो लगभग इस गांव की आबादी 7 से 8 हजार के करीब है, जिसमें 4 हजार मतदाता भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमें अपनी दवाई लेने के लिए पैदल ही सफर करके लगभग 3 किलोमीटर दूर पागबड़ा सीएससी केंद्र पर जाना पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये तो काफी दिनों से अस्पताल की हालत ऐसी है। तो कभी कोई डॉक्टर इधर आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया, इसमें कोई नहीं आया। कितने की आबादी हुई गांव में आपके? गांव में आबादी है करीब, ऐसा मान लो करीब 47-48 से बोर्ड है। तो दवाई लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? वही जाना पड़ता है पार्क बड़े अस्पताल, ऐसे चले आते हैं बस और क्या। अच्छा, जैसे प्रधान चुन के आते हैं कभी उन्होंने जोर दिया इस पे कभी? प्रधानों ने, प्रधान क्या करें, जब कोई आते नहीं डॉक्टर तो प्रधान भी क्या कर सकते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से आप? सरकार यही मांगे वो अस्पताल हो जाता तो दवाई ले और सहूलत हो जाती। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य महकमा इस ओर क्या कदम उठा पाएगा, क्योंकि इस केंद्र की बिल्डिंग पर ना तो दरवाजे लगे हैं और ना ही सीएचसी केंद्र पर बैठने की कोई सुविधा है। बिल्डिंग का फर्श भी टूटकर कबाड़े में तब्दील हो चुका है। वहीं चार दीवारी को भी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर बराबर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी ऐसे ही जारी रही तो आने वाले दिनों में सीएचसी केंद्र का अस्तित्व क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। मुरादाबाद से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक रिपोर्ट। केस हमारे यहाँ 2 हुए थे जो कि अगली रिपोर्ट में निगेटिव आ गए। अच्छा, गाँव में जब से चुनाव हुए हैं जब से लगातार बुखार खांसी इस तरीके का मरीज काफी मिल रहा है, क्या अपने यहाँ भी इस तरीके का आलम? हाँ, कुछ लोगों को हो गया था बुखार उखार, लेकिन बराबर यहाँ पे वैक्सीनेशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है। अच्छा, बाहर सीएससी केंद्र बना हुआ है, कितने समय से बंद है और जो पुराने प्रधान थे उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए और आप नए बने हो तो क्या प्रयास रहेंगे आपके? सीएससी केंद्र तो अधिकतर मैंने बंद ही देखा है जब देखा है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डॉक्टर बैठा है अभी तक, ना ही कोई मतलब लॉक ही लगा हुआ है इसमें अभी तक। तो दवाई वाई की जैसे जरूरत पड़े तो कहाँ जाते हैं? दवाई के लिए आशा द्वारा घर घर पहुँचाई जा रही है फिलहाल, और मतलब आशाएं वितरण कर रही हैं दवाइयों। अच्छा, आप प्रधान निर्वाचित हुए हैं जी, तो अब आपके क्या प्रयास रहेंगे सीएससी को लेकर? अभी मेन जो अभी बीमारी चल रही है, सबसे पहले मेरा सैनिटाइजर, पूरे गांव को सैनिटाइज एक बार करवा चुके हैं, दोबारा से हम कल से फिर शुरू करवा रहे हैं, और साफ सफाई का अभियान जीतने के अगले दिन से ही मैंने शुरू करवा दिया था और बराबर चल रहा है। नाली की साफ सफाई से लेके और जितना अभी कूड़ा करकट है सारा का सारा, सब साफ सफाई बराबर चल रही है।